ऐसा चपरासी बनना कौन चाहता है, सब राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, क्या उसका मौलिक अधिकार और किसी का नहीं है लोकतंत्र के अंदर? मैं तो नहीं कहता हूँ, ये जितने बैठे हैं इन्हें सब ने इलेक्शन लड़ना चाहिए, इनको मौलिक अधिकार नहीं इलेक्शन लड़ने का। अगर ये पहले इलेक्शन लड़ते तो नौबतन यादव दोषंत जी का नंबर कहाँ था? इन भाइयों ने उसको मौका दे दिया, ये मौका इसलिए दे दिया कि उसको मौका दे दिया, नहीं ये भाई इलेक्शन लड़ते तो वो कहाँ मौका मिलता? अब दोबारा ट्राई मार के देख लेगा क्या होगा, पता चल जाएगा। अपने सिद्धांत और प्रिंसिपल से समझौता नहीं करना चाहिए। जहाँ भाइयों के साथ जुल्म होते हों, जिस सरकार के अंदर भाइयों की नाड़ कटती हो, उस सरकार के अंदर मंत्री बन के क्या हासिल करना चाहते हैं? चौधरी वीरेंद्र सिंह 45-50 साल से राजनीति कर रहे हैं, और राजनीति करते करते अगर अभी उनका पेटा नहीं भरा, आने वाली अगली पीढ़ी के लिए तड़पने लगे, मैं समझता हूँ कि ये कोई सेंसेबल बात नहीं है। चौधरी वीरेंद्र सिंह ये बोले, भाई मैं छोटू राम का नाती हूँ, तो लोग भोले भाले थे, बंग की धरती है हमारी, भोले भाले थे, लगे रहे उसके साथ। दुष्यंत भाई ने सच कहा, भाई मैं देवीलाल का पड़पोता हूँ, मेरे में वही गुण हैं, वही गुण हैं। लेकिन जब खरकी होती धार काट के देखी तो एक टोपा थाना में नहीं पाया इसके, इसने बहुत बड़ी गलती कर रखी है। दुष्यंत हमने सबसे ज़्यादा दर्द दुष्यंतदेव की दर्द, पहले इसने अपना परिवार तोड़े, ना दादा का है यो, ना बाप का है, ना पड़दादा का है। आपका चैनल से हमें एक बात जरूर कहना चाहूँ, जैसे ताऊ देवीलाल भी जीता होता नहीं आज, उसके साथ भी यही व्यवहार करता ही हो। जब ओम प्रकाश चौटाला जी है उसके साथ कर दिया, चाचा के साथ कर दिया, दादी के साथ कर दिया, एक माँ है भी उसका तले बहुत राजनीति में। लेकिन जो दूषित चौटाला काम कर रहा नहीं, इसे गलत काम आज हरियाणा में कोई नहीं कर रहा। खास हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने, भाई सोनू बाली की राम राम। खुटकर टोल प्लाजा पर हैं और हमारे साथ में निर्दलीय विधायक और पूरी टोल कमेटी है। सोमेश सांगवान जी हमारे साथ में है, जानने की कोशिश कराएं। पहले भी काफ़ी बढ़िया तरीका था, इन्होंने सारी बातें बताई हैं और आज भी कुछ जानने की कोशिश कराएं। राम राम जी। राम राम भैया। तो आज पहली बात तो किस मोटिव को लेकर आज टोल प्लाजा पधारे हो वो बता दो। एक तो आज सबसे पहले तो महान सूफी संत कबीर जी की जयंती मुबारकबाद उसमें शामिल होने के लिए। दूसरी 29 तारीख को कितलाना टोल पे एक बहुत बड़ी सर्वजातीय सर्व का महापंचायत का आयोजन होने जा रहा है, उसमें तमाम भाइयों को पूरे खाप की तरफ से, पूरे भैनी जिले की तरफ से भाइयों को निमंत्रण देने के लिए आया हूँ। इस आंदोलन को और तेज़ गति रूप देने के लिए और ज़्यादा बेहतरीन क्या व्यवस्था हो सकती है उस विषय में हम ये बड़ी पंचायत आयोजन होने जा रहा है, तो मैं भाइयों को निमंत्रण दे लिया है, इस पंचायत का निमंत्रण देने भाइयों के बीच में आया था। तो विधायक जी आप खुद देखने लग रहे हो कि सरकार किस प्रकार तय अपने हाथ कंडे अपनाने लग रही है, क्योंकि जो किसानों का साथ देवा है किसी न किसी रूप में उसको तंग कराया जा रहा है। और ये ताज़ा उदाहरण है जो गोल्डन हट ढाबा है उसकी लेकर कुरुक्षेत्र में उसके सामने पत्थर रख दिए हैं ताकि वो लोगों की मदद ना कर सके, इस तरह की प्रतिक्रिया किस रूप में देखो आप? ऐसा है, किसान की मदद करने वाले का वैसे ही बेड़ा पार हो जाता है। ये भगवान के भगत हैं, सच्चे भगत हैं, बेलाग लपेट हैं, बेदाग हैं, त्यागी तपस्वी हैं, पूरे समाज का पेट भरते हैं, अपना शरीर को कष्ट दे के इस देश को आगे बढ़ाने में योगदान देते हैं। इनका कुछ नहीं बिगड़ता, जो किसान की मदद करता है उसका कोई कुछ नहीं बिगड़ सकता। सरकार की तो बात ही छोड़ो, उसको मल्लक भी साथ देता है, और जिस प्रकार की छोटी कार्यशैली जो सिस्टम जो सरकार कर रही है, इससे इस आंदोलन के ऊपर कुछ नहीं फर्क पड़ता, और उस भाई का भी कुछ नहीं फर्क पड़ता। जिस मल्लक जिसको देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, वो इसी प्रकार आगे बढ़ेगा और पूरा समाज उसके साथ है। और सरकार ने इसी छोटी हरकतें नहीं करनी चाहिए, ये किस समस्या का समाधान है? सरकार इस आंदोलन को कुचलना चाहती है, दबाना चाहती है, किसी भी तरह से गोले से, डंडे से, भय से, मुकदमे से आंदोलन नहीं देगा। इसका सिर्फ एक ही समाधान है, किसानों के बीच में जाएगी सरकार, किसान की बात को माने, तीनों कानून वापस करे, MSP गारंटी दे, ये है परमानेंट समाधान। अगर सरकार ने ऐसा नहीं किया तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आने वाले टाइम में इसका खामियाजा सरकार को भोगना पड़ेगा। गृहमंत्री जी का ट्वीट आया था कि ये घटना जो घटी थी, जो आत्मदाह उसने कराया था, किसी परेशानी को लेकर न कराया था, लेकिन जो ट्वीट आया था उसमें आया था कि ये आंदोलन नहीं आपराधिक आंदोलन हो गया। किसने कहा? गृहमंत्री जी का ट्वीट था। ऐसा है कि गृहमंत्री क्या कह दे, जुम्मेवार आदमी ने जुम्मेवार वाली बात कहनी चाहिए। शुरू में ये कह रहे थे जब आंदोलन है नहीं, किसानों का आंदोलन नहीं है, ये पंजाब के भाई हैं। मैं गृहमंत्री जी को भी, सरकार को भी, सब ने पता भी इस बात का। सर वो अगर ये भैंसका के बिन बजने वाली बात है, ये त्यागी और तभी 47 डिग्री टेम्परेचर के अंदर बैठे हैं, तपस्या कर रहे हैं,
ये कोई दूसरी तरह के आदमी है, ये सभी त्यागी तपस्वी अपने आने वाली कौम, अपने आने वाली नस्ल, अपने आने वाले भविष्य को बचाने लिए बैठे हैं। और ये किसानों का आंदोलन है, बाबा भीमराव अंबेडकर द्वारा मानने वाले हर संविधान को मानने वाले हर नागरिक का आंदोलन है, दुनिया में सबसे बड़ा आंदोलन है, सबसे शांति प्रिय आंदोलन है और सबसे लंबा आंदोलन है। हम तो 55 साल के हो गए, हमने तो ऐसे दिखाई नहीं दिया। और सरकार अपनी हर धर्मिता कर अड़ी हुई है, इसको किसी प्रकार का बदनाम करने सरकार इस मंशा में कामयाब नहीं होगी। किसान की जीत होगी क्योंकि किसानी कभी हार नहीं हुई। त्यागी और तपस्वी आदमी, बेलाग लपेट बेदाग आदमी है, इनकी जीत, इनके साथ वो ताकत भी है जो सृष्टि को चलाने वाली। आपने इतने लंबा तजुर्बा हो गया है, अपना परख लिया है कि बहुत ही साफ सुथरा और लंबा चलने वाला आंदोलन है जो सच्चाई के ऊपर खड़ा है। लेकिन एक दूसरे विधायक भी हैं जो मौका पर डिप्टी सीएम साहब हैं, वो कह रहे हैं कि सारे राजनीति से प्रेरित हैं, कोई मंत्री बनना चाहवा है, कोई एमएलए बनना चाहवा, कोई सरपंच बनना चाहवा है, कोई जिला परिषद बनना चाहवा है, वो इसको अलग नजरिया से देखें। ऐसा चपरासी बनना कौन चाहता है, सब राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, क्या उसका मौलिक अधिकार और किसी का नहीं है लोकतंत्र के अंदर? मैं तो कहता हूँ ये जितने बैठे हैं इन्हें सब इलेक्शन लड़ना चाहिए, इनको मौलिक अधिकार नहीं इलेक्शन लड़ने का। अगर ये पहले इलेक्शन लड़ते तो नौबतन यादव दोषन जी का नंबर कहाँ था? इन भाइयों ने उसको मौका दे दिया, ये मौका इसलिए दे दिया कि उसको मौका दे दिया, नहीं भाई इलेक्शन लड़ते तो कहाँ मौका मिलता, अब दोबारा ट्राई मार के देख लेगा क्या होगा पता चल जाएगा। इसलिए ज़रूरी है, मैं तो कहता हूँ कि अगर इन भाइयों में से भी इलेक्शन लड़ने वाले भी हैं, इलेक्शन लड़ना भी चाहते हैं तो कोई गुणा नहीं है, मौलिक अधिकार है, सबको इलेक्शन लड़ना चाहिए, सबको जीने का हक है। और सब चाहते हैं चौधरी को कौन छोड़ना चाहता है, वो भी चौधरी के लिए तो तड़प रहा है। सांगवान साहब वो कह रहे हैं कि सारे राजनीति कर रहे हैं, जबकि सबना पता है राजनीति करके ही हुआ एमएलए और डिप्टी सीएम की कुर्सी तक पहुंचे। ऐसा कौन नहीं करना चाहता राजनीति, सब करना चाहते, करने भी चाहिए, लोकतंत्र के अंदर सबका अधिकार है राजनीति करना। कोई पटानामा थोड़ी लिख रखा है चंद आदमियों के, कोई घराना का ये राजनीति करें, कहा लिख रखा है भाई? ये गरीब घर से पैदे होने वाले बहुत से महापुरुष हुए, हम बड़े रजवाड़े हिनारे लाल बहादुर शास्त्री होया, गरीब घर से पैदा होया, बहुत से आदमी आए जिन्होंने देश की तकदीर तस्वीर बदलने का काम करा, कहाँ लिख रखा है ये? मैं तो कहता हूँ कि हर आदमी ने अपनी राजनीति लड़ाई लड़नी चाहिए, राजनीति में जब तक हिस्सेदारी नहीं होगी, कलम में पावर नहीं होगी, जब भी तो इतिहास लिखा जाता है ना, अगर किसी को मौका ही नहीं मिला ऐसा लड़ाई ही नहीं का और सिर्फ ही नहीं कि हाथ में रहेगी, जो देश और प्रदेश को लूटने वालों के हाथ में कमांड रहेगी तो प्रदेश का भला कैसे होगा। मैं तो कहता हूँ कि हर काबिल आदमी ला के आना चाहिए, इलेक्शन लड़ना चाहिए। कुछ दिन पहले चौधरी वीरेंद्र सिंह किसानों के साथ में अपनी बयानबाजी करते हुए नजर आए थे, लेकिन अब बात निकल के आई है वो भी अपने लड़के को मंत्री बनाने की दौड़ में थे। ऐसा है, हर आदमी सोचता है मंत्री बनाना, मंत्री बनना ये उसकी इच्छा शक्ति है, सोचे, लेकिन अपने सिद्धांत और प्रिंसिपल से समझौता नहीं करना चाहिए। जहाँ भाइयों के साथ जुल्म होते हों, जिस सरकार के अंदर भाइयों की नाड़ कटती हो, उस सरकार के अंदर मंत्री बन के क्या हासिल करना चाहते हैं? चौधरी वीरेंद्र सिंह 45-50 साल से राजनीति कर रहे हैं और राजनीति करते करते अगर अभी उनका पेटा नहीं भरा, आने वाली अगली पीढ़ी के लिए तड़पने लगे, मैं समझता हूँ कि ये कोई सेंसेबल बात नहीं है। जुम्मेवार आदमी ने जुम्मेवारी बात करनी चाहिए थी। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने भाइयों के बीच में आके बैठना, सब चीज़ की राजनीति को छोड़ के किसान भाइयों के साथ बैठना चाहिए था, ये उसका कर्तव्य था। कि वो छोटू राम के नाते हैं, 50 सालों के नाम से राजनीति कर रहे हैं किसान के नाम से, आज किसान के ऊपर कोई तकलीफ की बात आई तो उससे नज़दीक नहीं आ रहे। मैं नहीं समझता कि इसमें कहीं कोई दम है बात में। और इस प्रकार से जो भाइयों के साथ जुल्म होता है उसमें पद लेना भी पाप समझता हूँ मैं तो। मैंने सबसे पहले अपने चेयरमैन ने भी छोड़ी सरकार से समर्थन ही वापस, और ये भी कहता हूँ गारंटी के साथ इस सरकार में आगे भी बीजेपी सरकार बीजेपी पार्टी में आगे तक मैं पूरी जितना दिन भी राजनीति करेंगे हम इसका नज़दीक में नहीं जाएंगे। प्रधान जी एक क्वेश्चन आपके लिए है, क्योंकि उचाणा ने सबसे ज़्यादा जो भरोसा कराया है दो परिवारों पर कराया है, क्योंकि उनका जो बैकग्राउंड रहा है काफ़ी बढ़िया रहा है। छोटू राम जी देखा उसकी भी कोई किसान खतर कसर नहीं छोड़ी, देवीलाल भी ठीक थे, लेकिन भरोसा करने के बाद में आपने के लाग गया है जो आने वाली जो पीढ़ी है वो किसी नहीं बढ़ी। ये नाती गोती तो हमें तंकर की है, जो वीरेंद्र चौधरी वीरेंद्र सिंह ये बोले भाई मैं छोटू राम का नाती हूँ, तो लोग भोले भाले थे, बंग की धरती है हमारी, भोले भाले थे लगे रहे उसके साथ। दुष्यंत भाई ने सोच कहा भाई मैं देवीलाल का पड़पोता हूँ, मेरे में वही गुण है वही गुण है, लेकिन जब खरकी झोटी आधार कार्ड के देखी तो एक टोपा थाना में नहीं पाया इसके, इसने बहुत बड़ी गलती कर रखी है। दुष्यंत पर हमने सबसे ज़्यादा दर्द दुष्यंत पर है, जे ये सरकार का समर्थन नहीं करता है सरकार टूट जाती और हमारा हरियाणा के किसान इतने बर्बाद नहीं होते, इतने तंग नहीं होते, इसकी वजह से हम तंग हो रहे हैं। ई भी समर्थन देगी बैठ जाओ, मौका पड़ा है सांगवान साहब ने बताया मौका पड़ा है, राजनीति तो बाप दादा की नहीं होती, ये तो गलती हुई है, ये भोले लोग थे भाई, एक छोटू राम का नाती एक
ताऊ देवीलाल का नाती वो दिख है भाई, ताऊ देवीलाल दिख है, बड़ो बड़ा के 10 सीट ले गया, भाजपा की काट करके ले गया मैं, इसको जमुना पार करूंगा, वह 70 पार करेंगे लोग बिछल के, इसलिए 10 सीट ले गए उसे जमुना पार की किस्ती में। इसके जो दादाजी हैं वह बाहर आए हैं अब, उसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया इसी नहीं आई है, क्योंकि परिवार का सदस्य था इसका, हाँ। दादा है पड़ा उसका बढ़िया कराया है, लेकिन कोई इससे स्टेटमेंट नहीं आई है जिस तरह न्यू लागा भाई यहाँ समय। तो औरंगजेब की दादा पहले इसने अपना परिवार तोड़ा, ना दादा का है ना बाप का है ना पड़दादा का है। आपके सामने से हमें एक बात जरूर कहना चाहूँ, जैसे ताऊ देवीलाल भी जीता होता नहीं आज, उसके साथ भी यही व्यवहार करता है, जब ओम प्रकाश चौटाला जी है उसके साथ कर दिया, चाचा के साथ कर दिया, दादी के साथ कर दिया, एक माँ है भी उसका तले बहुत राजनीति में, लेकिन जो दूसरी चौटाला काम कर रहा है नहीं, इससे गलत काम आज हरियाणा में कोई नहीं कर रहा। हमारा तो दुष्यंत भाई को ये कहना है कि भाई भी समझिए, ये जो मोदी और अमित शाह का मिला है नहीं तो किसने डराव है, तो मतलब किसने डराव चैनल का डराव ना होगा, अगर ये आनंद डराव है वोट ओड़े को नहीं भाई, एक भी वोट को नहीं, ना मोदी तो रहा ना अमित शाह तो रहा, वोट मारे सियाने की जींद के हल्के हैं, यहाँ तेरा तेरी जमीन कहीं खुश, कोई रास्ता नहीं रहा, कोई धरती नहीं रही, कोई दिशा नहीं रही, कोई दशा नहीं रही, कुछ नहीं रहा तुसें इसके बारे में। है गोल्डन डब्बा को लेकर ना खटखट टोल प्लाजा था, चेतावनी भी गई थी जी, गई थी जी, हमने चेतावनी दी है, या तो सरकार वो पत्थर हटा ले नहीं तो हम और बैठ जाएंगे, जाएंगे हमने तो बैठना है, किसान आंदोलन कहीं बैठना है, सरकार के खिलाफ बैठना है, और ऐसे ऐसे आदमियों को सरकार घेर रही है जो पुण्य दान कर रहे हैं, किसानों की मदद कर रहे हैं, असल किसान सरकार का ये इरादा है किसानों की, से कोई रेहड़ी वाला मदद कर दो, मूंगफली बेचने वाला मदद कर दो, मास्टर जज वकील को मीडिया का भाई चैनल का भाई कर दो उसे ने जेल में, या कौन सी सरकार भाई, कौन सा नियत और नीति इनके पास, किसान तो पूरा देश है, 36 बिरादरी के भाई हैं, जेलों में भर दो भी इसने इन तारी जेलों में सबर होता हुआ आगे सब, तो जेल भरो करो हमारी सार मोदी जेल भरा करा ना, तो जेल भरते रूह तंग रखे हैं, ये राख लेंगे 2-3 महीने दो एक दो साल और राख लेंगे भाई, तंग ज़्यादा कर दिया मैंने, इतने तंग कर दिए, नफरत होगी इनका मतलब मन खत। सांगवान साहब जो सरकार की नीति है जो मनसा है वह किस ओर ले जाएगा, ले जाने की है आंदोलन को किस ओर ले जाना चाहो और किस तरह से उसकी कमजोर करने की उसकी बात। सरकार के मनसा ये है कि ये आंदोलन वैसे उठ के चले जाए इनको बदनाम करने की, लेकिन मैं सरकार को बताना चाहता हूँ ये आंदोलन न गोले से न मुकदमे से न भय से किसी भी प्रकार से नहीं उठेगा, ये आंदोलन अपनी मर्जी से उठेगा, ये जब उठेगा जब सरकार इनकी बात को मानेगी, इसके अलावा सरकार के पास कोई विकल्प ही नहीं है। तो अगर जनता को मैसेज देना चाहो तो अंत में क्या मैसेज देना चाहो? मैं जनता ने ये मैसेज देना चाहूँगा कि तमाम भाई अपने तन से मन से धन से, ये 36 बिरादरी के सब भाइयों का आंदोलन है, सब भाई इस आंदोलन में अपना तन मन धन समर्पित करके इस विजय श्री को हासिल करें, किसान नहीं बचेगी तो इंसानियत बचेगी, पूरा देश बचेगा, भारत शक्तिशाली समृद्ध बनेगा, भारत पुणे विश्वगुरु बनेगा, भारत पूरे सोने की चिड़िया बनेगी जो लुटेरे लुट के चले गए। भाई अपने विचार हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दियो, वीडियो ने शेयर कर दियो, मिला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सारे भाइयों ने जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।